अस्सलाम वालेकुम। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी एक्चुअली, आई वाज अवेलेबल हियर। मिस चौहान आ रही है थोड़ी देर में। जब तक मैं यहाँ था तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा गूगल क्लासरूम के हवाले से बात कर लूँ। अभी मैंने ना आपको एक वीडियो ग्रुप में शेयर किया और प्लस आपको एक ईमेल किया, ठीक है। पहले अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा, खास तौर पर कि मैंने जो लिंक आपको भेजा है, यानी आपकी ईमेल में जो लिंक भेजा है, जो ईमेल आई है आपके पास, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी वही आईडी से लॉगिन करें जिस जो आपको सेंटर ने प्रोवाइड किया, ठीक है। उसी आईडी से आपने अपना गूगल क्लासरूम लॉगिन करना है। आप में से मैंने तमाम स्टूडेंट्स को भेज दिया है, 9A1 और 9B1 दोनों उसमें भेज दिया है मैंने। तो सेंस ये है, असरा आप इनरोल हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप इसी आईडी से इनरोल हैं, 4606 असरा मुख्तार 4606 वही वाली आईडी से इनरोल है। अगर कोई बाहर से होगा तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। अभी मैंने दो बच्चों को वहां से डिलीट किया, एक अहमद अली थे कोई जो डिफरेंट आईडी से लॉग इन हुए थे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, मेक श्योर कर लें कि आप लोग उसी आईडी से लॉगिन हो जो सेंटर ने आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। आप सबको अपनी अपनी आईडीज पता है ना, जरा अगर आपके पास अभी असल में मैंने आपको अपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया, अदरवाइज मैं आपको वहां से शेयर बता देता कि आपने क्या करना है और कैसे लॉगिन करना है ना। वैसे आप वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत आसानी से आपकी समझ आ जाएगी, उर्दू में वीडियो है। और अब आ रही है फराज, आपको मेरी आवाज, कैन यू हेयर मी राइट नाउ? अब आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जो आपको सेंटर ने जो आईडी प्रोवाइड की है, जो सेंटर ने आपको आईडी बना, जो आपको सेंटर ने कहा था बनाने के लिए, अरे हम यही अगर आईडी है आपकी तो आप इसी से लॉगिन होंगे, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि इसी आईडी से कनेक्ट हो। अगर दूसरी आईडी से होंगे तो कल का टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपका जीमेल गूगल क्लासरूम में जब टेस्ट आएगा, आप किसी और आईडी से लॉगिन करेंगे तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कल जब आप लॉगिन करें तो उसी आईडी से लॉगिन करें जो सेंटर ने आपको। थोड़ा सा वेट कर ले, टीचर आ रही है आपकी, रास्ते में हूँ। जब तक आपने कुछ कहना है तो यू कैन स्पीक अप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आ गई मिस, आ गई मिस जॉन, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं लेट हो गई हूँ आज, कैसे हैं आप सब? अच्छा, चलिए अच्छी बात है। यहाँ अच्छा आज हम मजे में चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सेंटर में मसला हो गया, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो जो न्यू लेक्चर था फिलहाल वो मैं अभी कॉपी नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, तो आप लोग ना सिर्फ 5 मिनट अगर आप लोग वेट कर लें तो मैं जरा अपने लैपटॉप से लेक्चर कॉपी करके और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सही है? 5 मिनट और वेट कर लें। आज आई नो बहुत लेट हो गई है क्लास, लेकिन
बाद मैं आप लोगों की स्लाइड जो है वो लगा के क्लास कंटिन्यू करूँ। आवाज आप लोगों को आ रही है? अच्छा, मैं जा ही रही थी लेक्चर कॉपी करने के लिए, यहाँ लाइट फिर चली। तो आप लोगों की तरफ भी लाइट का इश्यू हो रहा है क्या? हाँ, मैं टेस्ट ही बता देती हूँ। असरा, आप लोगों के बायो का टेस्ट कब है? डेट अनाउंस हुई है बायो की? अच्छा, नेक्स्ट वेडनेसडे को, ठीक है। तो चैप्टर नंबर टू के अंदर, चैप्टर नंबर वन मेरे ख्याल में हम लोगों ने साथ जो है वो उसके एमसीक्यू का टेस्ट लेते रहे थे, तो उसका इतना मसला आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि चैप्टर नंबर टू से हम अपने टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, सही है? क्योंकि इसका अभी तक हम लोगों ने कोई प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी नहीं लिया, ठीक है ना? तो इसके अंदर शुरू से लेकर, यानी जब से ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई? हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, सेल थ्योरी पढ़ी है, माइक्रोस्कोप पढ़ा है, माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स पढ़ी हैं, देन उनके डिफरेंसेस पढ़े हैं हम लोगों ने, और ये जितने भी है ना, ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद साइटोप्लाज्म और जितने ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी, ब्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, और राइबोसोम से आगे मेरे पास अभी स्लाइड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, इसके साथ साथ माइटोसिस और मियोसिस, यानी सेल का जो पार्ट है ना आप लोगों का, वो इस संडे तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जो आप लोगों का पूरा सेल है वो इंशाल्लाह, जहां तक इतना मैंने पढ़ाया नहीं है, जहां तक मैं सैटरडे तक पढ़ा दूंगी, सही है? सैटरडे तक आपका जितना हो जाएगा ना, शुरू से लेकर चैप्टर नंबर टू के शुरू से लेकर जहां तक सैटरडे को हो जाएगा, वहां तक पूरे का आप लोगों का टेस्ट, समझ में आ रही है बात? सेल डिवीजन से पहले नहीं आयशा, बस सैटरडे तक जितना हो जाए, सैटरडे तक सेल डिवीजन भी हो जाएगी, सही है? जितना हो जाएगा ना सैटरडे तक, वो पूरा आप लोगों का वेंसडे को आएगा। कोई बात नहीं, आराम, सैटरडे को नहीं होंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उसका, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा दूंगी, नहीं, आज फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा टेस्ट में, फर्स्ट चैप्टर का मैं साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेती रही थी, और आखिर में आप लोगों का छोटा सा मैंने रिटन टेस्ट भी ले लिया था, तो फर्स्ट चैप्टर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर टू से स्टार्ट करेंगे, और पूरा चैप्टर नंबर टू जहां तक सैटरडे को हो जाएगा, सैटरडे तक मुझे ऐसा लगता है सेल डिवीजन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो वहां तक हम पूरा डिस्कस करेंगे, सही है? अब यहाँ पे जरा लाइट आ गई है, मैं जल्दी से जाकर लेक्चर अपना कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? और फिर 5 मिनट के बाद जो है वो क्लासरूम कंटिन्यू करती हूँ, सही है? चलो,
अच्छा जी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके लास्ट क्लास में हमने राइबोसोम सब पढ़ लिया था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे सारे हो गए थे और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हम कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? राइबोसोम्स डिस्कस किए। अब हमारे दो और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रह गए हैं, नंबर वन इज सेंट्रियोल एंड नंबर टू इज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रोसोम कहलाता है। सही है, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट यानी सेंट्रोसोम, सेंटर यानी बीच में जो मौजूद है, तो वो एरिया अब मैं यहाँ पे आपको हल्का सा बना के दिखा देती हूँ। ये है आपका सेल और ये रहा बीच में न्यूक्लियस। बीच में ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है, न्यूक्लियस के करीब मौजूद है, वो हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? सेंट्रोसोम कहलाता है। सबको क्लियर हो रही है बात? सेंट्रोसोम किससे निकला है? सेंट्रल से, यानी सेंटर में मौजूद है। तो वो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस को घेरा हुआ है वो ही क्या कहलाता है बेटा? सेंट्रोसोम कहलाता है। सही है भाई? बात क्लियर हो रही है सबको? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? आप सही आ रही है करा? ओके अच्छा जी, अच्छा अब आ जाते हैं सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल क्या होता है बेटा? सेंट्रोसोम वाला जो एरिया होता है वहां पे एक सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल मौजूद होता है जो क्या कहलाता है? सेंट्रियोल। कोई बता सकता है सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है? किसे आप बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप? व्हाट इज सिलेंड्रिकल शेप? अब सही आ रही है भाई? अब बताएं कि सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है? तो व्हाट इज सिलेंड्रिकल शेप? सिलेंडर्स कैसे होते हैं फराज? एग्जैक्टली, रॉड शेप जो होते हैं। अच्छा, एक्सीलेंट आंसर। जिनकी लेंथ लंबी हो और ब्रेथ जो है वो कम हो। सही है, वो
कहलाते हैं सिलेंडर्स। तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना वो नहीं, ओवल नहीं, ओवल नहीं, मैं बताती हूँ। पॉइंटर देखा है आप लोगों ने, आप लोगों ने अपना पेन देखा है, पेन ऐसा होता है ना, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप, सही है, लंबा। कभी आप लोगों ने अपने बोर्ड पे जो लिखते हैं जिससे चौक देखी होगी, वो चौक भी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सही है। तो जिसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, बस जो विड्थ होती है ना वो हर वक्त देखते हैं ना, बस तो याद होगा फिर, वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रोसोम वाले एरिया में एक पेयर मॉडल होता है सिलेंड्रिकल ऑर्बिटल्स का, वो क्या कहलाता है बेटा, सेंट्रियोल कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रियोल के फंक्शन की, सॉरी स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को गूगल से, मैंने इसकी पिक्चर इंसर्ट की थी भाई, पिक्चर डालने ही वाली थी कि उसी टाइम पे लाइट चली गई और नेट के सिग्नल्स गए। मैं कह रही हूँ बेटा कि इसकी पिक्चर मैं नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि लाइट फॉरन चली गई थी, तो पिक्चर इंसर्ट नहीं कर पाई, बट मैं अभी गूगल से आप लोगों को सर्च करके अभी दिखा दूंगी। बना के दिखाने में ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दो साल से, चार साल से बल्कि बना के दिखा रही हूँ, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। खैर, क्या होते हैं सेंट्रियोल्स, इससे बने हुए होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ट्रिपलेट्स आपको पता है ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, थ्री, एक्सीलेंट आंसर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3-3 के 9 पेयर्स होते हैं, सही है, जो क्या बना रहे होते हैं, सेंट्रियोल बना रहे होते हैं। अब मैं जरा आप लोगों को इसकी पिक्चर सर्च करके दिखाती हूँ। ये आ रही है, ये पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है भाई, और इसके अंदर आप देखें, मैंने अभी आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताया, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये गोल गोल दायरे नजर आ रहे होंगे भाई, ये रॉड्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी शेप देखिए, सिलेंड्रिकल शेप है। उसके बाद आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स नजर आ रहे हैं, 3-3 के पेयर्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद है, और ये टोटल पेयर्स कितने हैं बेटा, 9 पेयर्स है, आप काउंट कर ले, सही है। तो 9 पेयर्स है, 9 पेयर्स है ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्रिपलेट्स किसे बोलते हैं, तीन एक साथ मौजूद है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको आप क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक सेंट्रियोल बना रहे हैं। सबको समझ में आ रही है बात, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो मीन्स छोटी और ट्यूब्यूल्स मतलब छोटी ट्यूब्यूल्स। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपको ये ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नजर आ रही होंगी ना, रॉड लाइक अलग अलग ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है, सही है। तो ये सब मिलके क्या बना रही होती है बेटा, सेंट्रियोल बना रही होती है। स्ट्रक्चर समझ में आया सेंट्रियोल का, हाँ भाई स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको,
जी बेटा मेरा भी नेट बहुत मसले कर रहा है आज आज यहाँ पे लाइट का भी इशू है भाई। बहरहाल यहाँ पे अब आप जरा इसका फंक्शन देंगे भाई, सेंट्रीओल्स का फंक्शन। मैं ज्यादा सेंट्रीओल का फंक्शन नहीं समझाऊंगी अभी क्योंकि आप लोगों को अभी समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जब हम सेल डिविजन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या फंक्शन होता है सेंट्रीओल का। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि सेंट्रीओल्स जो होते हैं वो सेल डिविजन में हेल्प कर रहे होते हैं। सही है, तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना कि हेल्प सेंट्रीओल्स हेल्प इन सेल डिविजन। बस इस वाले पॉइंट को याद रख लीजिए अभी, बाकी जो ऊपर वाला पॉइंट है ये मैं अभी नहीं समझा रही हूँ। जब हम सेल डिविजन पढ़ेंगे कल की क्लास में या परसों की क्लास में तो आप लोगों को समझ में आ जाए। सही हुई, कोई मसला तो नहीं है ना। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये सेल डिविजन में पार्ट हेल्प करता है। चले आगे, नहीं नहीं आयशा, सेंट्रोसोम इनके पेयर को नहीं कहते। सेंट्रोसोम अभी तो बताया था, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है ना उसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म ही है लेकिन न्यूक्लियस के करीब वाला जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। सही है, हाँ जिससे मर्जी आपके आप याद करें, नोट से याद करें, बुक से याद करें, कहीं से भी याद। सही भाई, अब हम आगे चलते हैं। Then we have vacuole. अब vacuole क्या होता है? एक ऐसा sac like structure, hairy like structure होता है जिसको एक membrane ने surround किया हुआ होता है ग्लास। सही है, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है बेटा कि जब वैक्यूल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो उसको एक मेम्ब्रेन ने कैसे सराउंड किया? ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जबकि हम तो पढ़ रहे हैं कि वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो फिर इसके अंदर ये मेम्ब्रेन कैसे मौजूद है? ये बेटा मुझे नहीं पता है, अगर ये आप सेंटर कॉल करके पूछ लीजिएगा या आपको रिसेप्शन पे ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया भाई उसका जवाब दे जल्दी जल्दी। जी जी मैंने ही गायब की है, मेरा सवाल तो सुन ले। वैक्यूल के बारे में मैंने ये बोला कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जबकि हम तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो उसकी मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई भाई? आप लोगों को सवाल समझ में आया है या नहीं आया? वजीहा ये दोनों में तो मौजूद होता है लेकिन ये है तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही दोनों में मौजूद होते हैं। सवाल मेरा आप लोग समझ नहीं पाए, मैं थोड़ा दोबारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जिनको मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया हुआ होता, ऐसा है। तो अभी हमने पहली जो लाइन पढ़ी है वो यही है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो जब ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन है ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद
अस्तगफिरुल्लाह, अब आ रही आवाज? अच्छा, तो जो बाकी ऑर्गेनाइज होते हैं उन्होंने उधार पे कैसे ली हुई होती है रहम, उनकी पर्सनल नहीं होती? अब सुन ले भाई, वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसका मतलब यह बेटा कि उसको लिपिड बायलेयर ने सराउंड नहीं किया हुआ। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने लिपिड बायलेयर पढ़ी थी, वो लिपिड बायलेयर ना राइबोसोम में मौजूद होती है, ना सेंट्रियोल में मौजूद होती है, और ना वैक्यूल में मौजूद होती है। लेकिन इनकी अपनी अलग अलग मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड बायलेयर्स नहीं होती, वो एक नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है, सही है, सैक लाइक थैली लाइक एक मेम्ब्रेन होती है जिसने इनको सराउंड किया हुआ होता है। तो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वो है जिसमें कोई लिपिड बायलेयर मौजूद ना हो, अदरवाइज इनकी अपनी पर्सनल मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ रही है सबको बात? आयशा आप समझ नहीं पाई, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर होती है, मैं ऑर्गेनल्स की बात कर रही हूँ। जिन ऑर्गेनल्स में लिपिड बायलेयर होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और जिनमें नहीं होती वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जिनके अंदर लिपिड बायलेयर नहीं है ना, उनके अंदर अपनी पर्सनल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वो उनका कॉन्टेंट वरना तो बह जाएंगे ना साइटोप्लाज्म, ऐसा तो नहीं हो सकता। बस अब अगर अपना सर फाड़ लेंगे अगर मैंने इससे आगे कुछ बताया ना, इसलिए आगे चल लेते हैं। अच्छा जी, अब एनिमल्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स मौजूद हैं, सही है भाई? एनिमल्स के अंदर कई सारी वैक्यूल्स होती है लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज की होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर एक बड़ी लार्ज वैक्यूल मौजूद होती है, बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, सही है भाई? फंक्शन क्या है वैक्यूल्स के, अभी मैं पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए जरा तसल्ली रखें। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स खाना स्टोर करने का काम कर रही होती है, सही है भाई? जितना भी खाना बच जाता है ना, आप लोग क्या करते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं ना जो खाना बच जाता है, इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में जितना खाना बच जाता है ना यूज होने के बाद, वो खाना वो कहाँ पे स्टोर करते हैं बेटा, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत मशहूर जमाना वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया में एक्सक्रीशन करवाती है, ये फूड को स्टोर नहीं करती बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बैक्टीरिया के अंदर एक्सक्रीशन करवाती है। अब कैसे करवाती है ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सही है, आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, एनिमल्स और प्लांट्स में जो वैक्यूल्स है ये क्या करवाती है भाई, फूड स्टोर करती है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो वैक्यूल होती है उसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, जो कि एक्सक्रीशन करवा रही है। अब यहाँ पे जरा आप ये पिक्चर मुलाहिजा फरमाएं, तो प्लांट्स के अंदर अगर आप लोग देखें एक बड़ी सी वैक्यूल ये ब्लू कलर की मौजूद है, और ये इतनी बड़ी होती है कि इसने न्यूक्लियस को साइड पे धक्का दे दिया। नॉर्मली न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा, सेंटर ऑफ द सेल में होता है ना, सेल के बीच में होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर इतनी बड़ी वैक्यूल होती है कि वो न्यूक्लियस को साइड पे धक्का दे देती है। तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कॉर्नर में पाया जाता है, साइड पे पाया जाता है, सही है? तो देखिए भाई, एक वैक्यूल है और कितनी बड़ी है, जबकि एनिमल सेल के अंदर अगर आप देखें तो ये छोटी सी ग्रीन कलर की, ये छोटी सी रेड कलर की जो मौजूद है ना, और यहाँ पे ये येलो कलर की, और यहाँ पे भी ये येलो कलर की, ये छोटी छोटी वैक्यूल्स हैं, और इनका साइज देखें आप कितना छोटा है, और ये बहुत सारी होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी एक वैक्यूल मौजूद होती है, सिर्फ एक ही। एनी क्वेश्चन? नहीं, औकात तो है आराम, बस जगह नहीं है सेंटर पे, तो थोड़ा साइड पे रख रहे हो, साइड। रेड वाली,
कहाँ दिख रहा है आपको रेड? ये इसको आप रेड बोल रहे हैं बेटा, इसको जी ये भी वैक्यूल है। ये तब तब जैसी प्याले जैसी आपको जो दिख रही है ना, सब वैक्यूल। अच्छा अब मेरा ये क्वेश्चन है कि एनिमल्स के अंदर इतनी छोटी छोटी वैक्यूल, इतनी छोटी वैक्यूल है, प्लांट के अंदर इतनी बड़ी वैक्यूल है, क्यों? क्यों प्लांट के अंदर हमसे बड़ी वैक्यूल पाई जाती है? एक ही होती है लेकिन तबाही बड़ी किस्म की होती है। अच्छा एंडोसाइटोसिस क्या होता है आयशा? और बजिया एक्सक्रीशन का वैक्यूल से क्या ताल्लुक है? आयशा मुझे इस बात का जवाब देंगी भाई कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, और बजिया मुझे इस बात का जवाब देंगी कि एक्सक्रीशन का क्या ताल्लुक है वैक्यूल से। और ये बाकी बच्चे कहां सुने, वो जवाब नहीं देंगे क्या? आयशा ने एंडोसाइटोसिस तो सही बताया, एक्सीलेंट आंसर, लेकिन आयशा आपका जवाब गलत था। मैं सिर्फ एंडोसाइटोसिस सुनना चाह रही थी, वो आपने सही बताया भाई, लेकिन आंसर आपका गलत था। और वजीहा, हमारे अंदर वैक्यूल्स एक्सक्रीशन का काम नहीं कर रही होती है, बैक्टीरिया के अंदर कर रही होती है ना। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे आप, क्यों जरूरत है प्लांट को इतनी बड़ी वैक्यूल की जबकि हमें नहीं है? हमारे अंदर छोटी वैक्यूल मौजूद है, हमारा छोटे में ही गुजारा हो जा रहा है, लेकिन प्लांट को इतनी बड़ी वैक्यूम की जरूरत क्यों है? और हम आप तो ना मार्स से लेकर आते हैं, जुपिटर पे जाते हैं आप, वहां से बातें पकड़ के लाते हैं। क्या जवाब दे रही है? पानी का क्या ताल्लुक है? ये लकड़ा लेकर आई है भाई क्योंकि वो खाना सेव करता है, तो प्लांट में इतनी बड़ी वैक्यूम का फायदा। आप बहुत दूर से आए, वाकई बड़ी दूर से आए, वहीं रह जाते, क्या जरूरत है आने की? अल्लाह बेहतर जानता है। इकरा भी वही हार गई, उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं लगा रही दिमाग, इस दिमाग चाट रही पूरा। चलिए मैं बता देती हूँ भाई, आप लोग कुछ सोचें, एनिमल्स जो हर चीज में रॉकेट साइंस नहीं होती, कुछ चीजों का जवाब बहुत आसान होता है, सही है? नहीं नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करता, कोई ग्रोथ ग्रोथ कुछ नहीं करता भाई, हम सुन लें, हर चीज का जवाब इतना रॉकेट साइंस वाला नहीं होता। अब देखिए एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको खाना कभी उनकी बॉडी में कम हो जाए तो वो जाएंगे मार्केट से खरीदेंगे खा जाएंगे, या जंगल में जाएंगे वहां से पकड़ेंगे खा जाएंगे। प्लांट बेचारा एक जगह पे रहता है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल जमीन के अंदर मिनरल्स खत्म हो जाते हैं या पानी खत्म हो जाता है, किसी भी वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा होगा, तो जब तक तो उसको काफी टाइम तक जिंदा रहने के लिए उसके पास रिजर्व्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्योंकि प्लांट की तो कोई गारंटी है ही नहीं ना, अगर जमीन में गिजा उसकी खत्म हो जाए यानी मिनरल्स खत्म हो जाए, अगर कभी सूरज ना निकल पा रहा हो किसी जगह पे, वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर किसी वजह से प्लांट के अंदर क्लोरोफिल खत्म हो जाए, कोई भी मसला हो जाए जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड नहीं बना पा रहा, तो क्या वो क्या करेगा? वो तो मर जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए उसके पास रिजर्व्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बेटा? उसको जिंदा रहने के लिए पहले से उसके पास जखीरा होना चाहिए ना। तो प्लांट को क्योंकि ज्यादा जरूरत होती है स्टोर्ड फूड की, इसीलिए उसके अंदर वैक्यूल को बड़ा रखा गया है, सही है? रिजर्व फूड ही तो होता है, वही तो बताया था मैंने बच्चे का, हमारे अंदर
लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा, समझ में आ गया आप लोगों को बात? ये रीजन था, हर चीज में रॉकेट साइंस नहीं होती भाई। समझ में आ गया भाई सबको? क्या समझ नहीं आया फराज आपको? जी जी इकरा, बस मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, तो फराज को समझ नहीं आया था तो इसलिए टाइम ले रही थी मैं थोड़ा सा। चलिए भाई फराज, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ, ये तो वैसे आसान सी बात नहीं, समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं समझाती हूँ आपको फिर नेक्स्ट क्लास में, सही है? यहीं पर हम क्लास को एंड कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़।